गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल केली शेली। मैं हूं देवयानी लुहारुका और आज का वीडियो है लास्ट पार्ट इन द सीरीज ऑफ माय वैक सील वीडियोस। पहले के दो वीडियोस नहीं देखे तो फटाफट देख लीजिए, फॉलो द टैग्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे हम वैक सील्स को और सुंदर कैसे बना सकते हैं। वैसे तो वैक सील्स अपने आप में ही बहुत प्रिटी होती हैं, परफेक्ट ना भी हो तो भी उनका एक अलग ही चार्म होता है। लेकिन अगर हम उसमें कुछ और एलिमेंट्स ऐड कर दें तो फिर तो वाजिबा क्या कहने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एम्बेलिश्ड वैक्स सील्स बनाने के लिए हमें ऑब्वियसली वैक्स सील्स चाहिए, जो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल होती हैं। द लिंक्स फॉर बाइंग वैक्स सील बॉक्स लाइक दिस इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। उसके अलावा आपको एक मेल्टिंग पॉट चाहिए, कैंडल चाहिए। आई एम यूजिंग अ पीस ऑफ टाइल्स। अगर आप टाइल्स नहीं यूज़ करना चाहते तो आप एक मार्बल का पीस भी यूज़ कर सकते हैं या एक सिलिकॉन शीट भी यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम एक वैक्स सील बनाएंगे फेदर यूज़ करके। ये एक सिंथेटिक फेदर है, स्टेशनरी शॉप्स में इजीली अवेलेबल होता है। सो इसे यूज़ करके हम अपनी वैक्स सील को आज डेकोरेट करने वाले हैं। सबसे पहले सील के लिए मैं ये ब्लू कलर की वैक्स यूज़ करने वाली हूँ। सो जैसा मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बताया है, वी विल टेक अराउंड 4 ऑफ दीज बीड्स एंड मेल्ट देम प्रॉपरली। तो इसे हम लेके पुट ऑफ द फ्लेम। नाउ केयरफुली पोर द वैक्स एंड ट्राई टू पोर इट इन अ सर्कल। एंड व्हाइल इट इज स्टिल वेट, बिफोर अप्लाइंग द सील यू कैन पुट इन द फेदर। उसके बाद क्विकली टाइम फॉर स्टैम्पिंग। आफ्टर अ मिनट नाउ इट्स टाइम टू लिफ्ट। अब इस वैक्स सील को निकालने के लिए मैं यूज करने वाली हूँ एक स्क्रेपर। ये केक स्क्रेपर है, आराम से आपको मिल जाता है, या फिर आप एक स्पैचुला नाइफ भी यूज कर सकते हैं। गो जेंटली अराउंड द एजेस। इसे पहले साइड में से धीरे से निकालिए एंड सी, एंड दिस इज हाउ द फेदर वैक्स सील लुक्स। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू बी मेकिंग अ मार्बल्ड वैक्स सील। सो मार्बल्ड वैक्स सील के लिए हम 2 या 3 कलर या उससे भी ज़्यादा बीड्स यूज करके और मल्टी कलर्ड वैक्स सील बनाएंगे। सो आई एम गोइंग टू बी यूजिंग 2 blue and 2 येलो वैक्स सील्स। सो टाइम टू मेल्ट मेल्ट मेल्ट। आप देख सकते हैं कि मेल्ट होके ये सब कलर्स आपस में कैसे मिल रहे हैं। ऑल्सो नोटिस सम बबल्स ऑन दिस। तो बबल्स आने का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि आपकी वैक्स थोड़ी ज़्यादा गर्म हो गई है, तो आग लगने के थोड़े से चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर बबल्स दिखें तो इमीडिएटली फ्लेम बंद कर दें और वैक्स को हल्का सा कूल होने दें पोर करने से पहले। अगर पोर करने से पहले ये फिर से हार्डन लगती है तो आप फिर से उसे 5-10 सेकेंड फ्लेम के ऊपर रख के फिर पोर करें। ये कलर्स देखिए कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। टाइम टू पोर। और इस मल्टी कलर्ड वैक्स सील के लिए बटरफ्लाई सील से अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। चलिए देखते हैं कैसी बनी हमारी बटरफ्लाई वैक्स सील। नाउ आई एम गोइंग टू बी एडिंग सम गोल्ड ऑन दिस। I am going to be using this itsy bitsy metallic wax. Simply open it, take it in your finger
और उसको हल्के से ये इम्प्रेशन जो उभरा हुआ है उसके ऊपर हम लगा देंगे। टाइम टू रिमूव इट एंड दिस टाइम इसे निकालने के लिए मैं एक स्पैचुला यूज़ कर रही हूँ। ये आपको केक एक्सेसरी शॉप में मिल सकता है। जैसे मैंने हर बार बताया है, पहले आप वैक्स सील को हमेशा साइड में से लूजन अप कीजिए और फिर एक झटके में ये निकल जाती है। नेक्स्ट सील के लिए मैं ड्राई फ्लावर्स यूज़ करने वाली हूँ। सो ये मैंने ड्राई फ्लावर्स का एक बंच बना लिया है और अब मैं इनकी स्टेम्स छोटी कर दूंगी। इस तरह से मेरा ड्राई फ्लावर्स का बंच रेडी है। अब एक वैक्स सील मेल्ट करते हैं और पोर करते हैं और ये मेरी मेल्टेड पेस्टल पिंक वैक्स रेडी है। तो इसे जल्दी से पोर करते हैं। और जब ये गर्म है तभी इसमें हम जल्दी से ये डाल देते हैं और फिर जल्दी से स्टैम्प। और निकालते ही हमारी सुंदर सी वैक्स सील स्टैम्प रेडी है। इस स्टैम्प को मैं मेरे स्क्रेपर से निकाल रही हूँ जो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था। एंड यू कैन सी हाउ प्रिटी दिस लुक्स। आप चाहें तो इस पे गोल्ड कर सकते हैं, अगर नहीं करना हो तो भी अपने आप में ही ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। नेक्स्ट वैक्स सील के लिए आई विल बी यूजिंग द इटर्नल कॉम्बिनेशन ऑफ रेड एंड गोल्ड। तो ये मेरी रेड मेल्टेड वैक्स है। इसमें मैंने जल्दी से कुछ गोल्ड फ्लेक्स डाल दिए हैं, ज़्यादा नहीं, बस 3-4। नाउ इट्स टाइम टू सील इट। आप ये तो जानते ही होंगे रेड एक ट्रेडिशनल वैक्स सील का कलर हुआ करता था। पुराने ज़माने में ज़्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए रेड वैक्स सील का ही यूज़ किया जाता था। आज भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स रेड कलर की वैक्स सील से ही सील होते हैं। लेट्स सी हाउ इट लुक्स नाउ। प्रिटी एंड एलिगेंट, इज़न्ट इट। कोई भी वैक्स सील को रिमूव करने से पहले ध्यान रखिए कि वो पूरी तरह से ड्राई हो गई हो। अगर आपका वैक्स थोड़ा भी गीला है और आपने जल्दबाजी में उसे निकालने की कोशिश करी तो आपकी वैक्स सील का शेप खराब हो सकता है। सो गिव इट सम टाइम, गिव इट एटलीस्ट 3-4 मिनट्स टू ड्राई आउट प्रॉपरली और उसके बाद ये तुरंत ही निकल जाती है। लेट्स रिमूव दिस। Ready it is. So let's take a quick recap of all the wax seals that we made today. So देखा आपने कैसे हम simple things like feathers, gold foil and dry flowers use करके हमारी wax seal को कितना सुंदर बना सकते हैं? These are all easily available. और इसके अलावा आप और भी 2D चीजें यूज कर सकते हैं। 2D मतलब 2-dimensional, यानी कि ऐसी चीजें जो फ्लैट और पतली होती हैं। And don't forget the marble wax seals, they're just so pretty. So आप बताइए कि आपको इन सब में से कौन सी wax seal सबसे ज्यादा पसंद आई और कौन सी आप अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में यूज करेंगे। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल केली शेली एंड प्रेस द बेल आइकॉन। यू कैन आल्सो फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। टिल देन गुड बाय।